नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मूवी वॉर ने साल 2019 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, साथ ही पर्दे पर ऋतिक रोशन और टाइगर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। वहीं कुछ ही वक्त पहले खबर आई थी कि वॉर की सफलता के बाद इसका सीक्वल यानी कि वॉर 2 भी पर्दे पर जल्द ही आने वाला है और इसमें साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की भी एंट्री होगी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अफवाह ही साबित हुई। जूनियर एनटीआर से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वो वॉर 2 नहीं करने वाले हैं। जूनियर एनटीआर से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वो ऐसी किसी भी फिल्म में कदम नहीं रखेंगे बेसिकली जिसमें पहले से ही दो हीरोज हों। हैदराबाद में मौजूद जूनियर एनटीआर के सूत्रों ने वॉर 2 की कास्टिंग पर कहा, आप लोग पागल हैं, जूनियर एनटीआर ऐसी किसी भी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू नहीं करेंगे जिसमें पहले से ही दो हीरो लीड में मौजूद हों। सूत्रों की बातों से लग रहा था कि जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन की वॉर 2 का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वॉर 2 से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी फिल्म को लेकर केवल आइडिया ही लगाया गया है, इसकी कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, जिससे कि कास्टिंग तो दूर की ही बात आ जाती है। फिर फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में कहा, प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने पहले से ही तय किया था कि वॉर 2 का डायरेक्शन अयान मुखर्जी करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले अभी तक वॉर 2 के आइडिया के अलावा फिल्म के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वही अयान भी ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 और साथ ही पार्ट 3 पूरा करने के बाद ही वॉर 2 को हाथ भी लगाएंगे। ऐसे में ये तो तय है कि 2025 तक तो लगभग मुझे लगता है वॉर 2 का कुछ नहीं होने वाला है। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या वॉर 2 में ऋतिक और साथ ही टाइगर की जोड़ी के साथ अगर ये जूनियर एनटीआर की भी तिगड़ी मतलब बेसिकली इन तीनों की अगर दिखने को मिलती तो कैसा लगता, और साथ ही वॉर 2 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये भी बताइएगा, और साथ ही ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और